पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज इन इटसेल्फ इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन सोसाइटी के लिए। एंड आज आप ये तीन आर्टिकल्स पढ़ लो, आपका सारा का सारा पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज दैट विल गेट कवर्ड, बिकॉज ऑन दिस डे दीज थ्री आर्टिकल्स नंबर वन एंड नंबर टू एंड नंबर थ्री एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्रॉम लॉन्चपैड आईएएस टेलीग्राम चैनल, ये सारे न्यूज़पेपर की मिल जाएगी एंड उसमें आप ये भी पढ़ लोगे। सो दिस विल कवर एवरी सिंगल पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच आर मेंशनड इन द सिविल सर्विसेज सिलेबस, राइट? सो दिस इज नॉट टू बी मिस्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो व्हाट दे आर राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाना स्टार्ट क्यों किया गया? It was proposed by a demographer. What is demography? Quickly, you just write it down. Very simple. NCERTs में, school books में घूमता रहता है. And I am assuming आपने कुछ NCERTs पढ़नी start की हैं. So आपको demographics, demographic dividend, demography ये शब्द बार-बार आपके सामने आता है. What is it? Study of the population, the analysis of the population. Right? Exactly. एक पॉपुलेशन को अच्छे से स्टडी करना, उसका एज, उसका जेंडर, उसका फर्टिलिटी रेट, उसका ग्रोथ रेट ऑफ दैट सेट ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, एवरी सिंगल थिंग दैट यू कैन पॉसिबली स्टडी अबाउट अ सेट ऑफ पॉपुलेशन, राइट? दैट इज डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको हम? वी कॉल इट डेमोग्राफी, राइट? सो इंडियाज डेमोग्राफिक जर्नी ऑफ हिट्स एंड मिसेस। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे ये सारा लिख देंगे कि इंडिया ने आज तक कैसा परफॉर्म किया है, क्या डर थे डेमोग्राफी को लेकर कि इंडिया की पॉपुलेशन इज गोइंग टू एक्सप्लोड। एंड स्टार्टिंग में इन 40s, 50s, 60s लोगों ने ऐसा लिखा कि इंडिया की पॉपुलेशन भूखमरी से मरा करेगी, बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूसिंग एट सच हाई रेट्स। And this was, that is why even taught to us in our schools and colleges as one of the biggest problems, biggest challenges of the country, isn't it? So, इसलिए आज ये कहना कि population is not a challenge anymore is very difficult for students to digest. But that is the fact, because बिना किसी जबरदस्ती के, जैसे चाइना में हुई कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करोगे, एक ही बच्चा पैदा करोगे, इंडिया में विदाउट एनी फोर्स, विद परसुएशन, विद अवेयरनेस, विद कैंपेन्स लाइक हम दो हमारे दो, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, फॉर ऑल दीज रीजंस आज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है जी? एंड इन फैक्ट व्हाट इज हैपनिंग इज हमारी पॉपुलेशन इज ग्रोइंग annually at just 1%, right? यहाँ पे कुछ बहुत important concepts हैं जो आपको पता होने चाहिए, that is total fertility rate. What is total fertility rate, all of you? So this is one concept जो आपको पता होना चाहिए, total fertility rate क्या चीज होती है, infant mortality rate क्या चीज होती है, maternal mortality rate is what, and what is replacement levels, replacement levels kya cheez hoti, right? Then obviously I hope you know what is sex ratio, right? So these are some of the things. Then we will also discuss sustainable development goals, right? So these are some of the important things. First of all, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या चीज है, कि एक महिला एक देश में, एक स्टेट में, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, एक महिला हु इज इन हर रिप्रोडक्टिव एज ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा करेगी, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। एंड अगर ये एवरेज फॉर एनी सेट ऑफ पॉपुलेशन कम्स टू 2.1, that is known as replacement levels, that suggests कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उतनी ही deaths हो रही हैं almost. So the number of births is almost equal to number of deaths, and
रिप्लेसमेंट लेवल्स इसीलिए इसे बुलाया जाता है, रिप्लेसिंग द पॉपुलेशन, नॉट इंक्रीजिंग इट सब्सटैंशियली, एंड इवन द पॉपुलेशन इज नॉट कलैप्सिंग, इट इज नॉट डिक्रीजिंग सब्सटैंशियली, इट इज रिप्लेसिंग, ठीक है जी। और ये एक बड़ी स्टेबल सिचुएशन होती है। लेकिन इंडिया की कितनी है, व्हाट इज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट, 5, 7, 10, कितने बच्चे पैदा कर रही हैं महिलाएं इंडिया में। एवरीबडी इज थिंकिंग यू नो फ्रॉम द प्रिविलेज्ड फैमिलीज कि नहीं हम तो कम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत बच्चे पैदा कर देते हैं। लेकिन इंडिया फर्टिलिटी रेट इट इज जस्ट 2 नाउ, कुछ स्टेट का इससे भी कम हो गया है 1.3, 1.5। ये सारी प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, ये कोई कम्युनिटी नहीं है। बेसिकली द स्टेट्स विच आर बैकवर्ड एडुकेशनली इकोनॉमिकली, वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट इज हायर, एंड द स्टेट्स विच आर एजुकेटेड प्रॉस्परस वेयर वुमेन आर वर्किंग वेयर देर इज अ कंसेप्ट नोन एज फैमिली प्लानिंग, फैमिलीज प्लान करती हैं कि कितने रिसोर्सेज हैं, कितने बच्चे होने चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट इज कमिंग डाउन इवन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। तो व्हाट विल हैपन इज इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, आने वाले सालों में इट विल पीक, वो मैक्सिमाइज कर जाएगी एंड फिर कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया करंटली, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नाउ, हम चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेटेड हैं अभी। एंड कितनी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है, बिकॉज अभी सेंसस तो हुआ नहीं, इट इज 140 crore+। इज इट फाइन? हाँ, राइट। सो द क्वेश्चन इज जहां पर फर्टिलिटी रेट्स आर हायर वहां पे क्या किया जा सकता है, वही जो बाकी स्टेट्स में हुआ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिंपल, राइट। एंड वो अवेयरनेस कैंपेन्स की भी अब जरूरत नहीं रही है। Why? Because when somebody, some couple is educated, दोनों ही educated हैं, so they are not going to have 5 kids. Do you expect any educated couple to have 5 kids? Very rare and very strange, right? For Indian society, I'm saying. ठीक बात है? So education and खासकर महिला की education is going to give choice in her hand. The family is not going to make choices, she is going to make choices, right? So 140 crore के करीब इंडिया की पॉपुलेशन है, और इसमें भी बहुत क्लियरली वी नो दैट देर आर सर्टन स्टेट्स, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां पर थोड़ी अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है। लेकिन फिर कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं लाइक केरला, पंजाब, हिमाचल, जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज ये स्टेट्स फेस करेंगी बहुत जल्द द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, इनकी बूढ़ी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, विच इज डिपेंडेंट। तो जब एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम जो ओवरऑल इंडिया भी आगे फेस करेगा, एंड दिस इज अ नेचुरल यू नो टाइमलाइन ऑफ एनी सोसाइटी, कि पहले आप बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हो, फिर बर्थ रेट्स कम डाउन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी गोज अप, जो अभी इंडिया की 70 हो चुकी है, तो क्या होगा कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो पहले हुए थे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर नाउ, दे विल एज। तो आपको अब एल्डरली केयर के ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब डिपेंडेंट्स की पॉपुलेशन यानी एज्ड पीपल एंड किड्स ये ज्यादा हो जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट चैलेंज फॉर सोसाइटीज, वो भी हैंडल करना पड़ता है, तो आने वाले समय में इंडिया भी हैंडल करेगा, राइट। अभी वी आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इकोनॉमी में वर्किंग एज पॉपुलेशन का परसेंटेज इज द हाईएस्ट, एज अ रिजल्ट दे विल कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द इकोनॉमी होपफुली इफ दे गेट गुड एजुकेशन स्किल्स एंड जॉब्स आर जनरेटेड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंश्योर्ड, स्टार्टअप्स आर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, ऑल दिस विल लीड टू व्हाट, रीपिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बना है जिसमें यंग पॉपुलेशन इज टू मच, इसका फायदा हम उठा पाएंगे, दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड।
राइट, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो नए बच्चे पैदा हुए हैं उनका डेथ रेट, तो कब होगा, जब अच्छा न्यूट्रिशन माँ को बच्चे को अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिल पाई, राइट, अगेन दैट ऑल्सो शोज दैट द हेल्थ केयर स्ट्रक्चर द न्यूट्रिशन इन द पॉपुलेशन इज नॉट दैट गुड, ठीक है जी. सिमिलरली इफ द मदर इज मैरिड वेरी यंग, ही इज गिविंग बर्थ टू 6-7 बेबीज, उसकी डेथ रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि नहीं, दैट इज नोन एज मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, MMR. IMR इंडिया में बहुत तेजी से कम आ रहा है, MMR बहुत तेजी से कम हुआ है. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी जितनी डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में एक्सपर्ट्स की सुपरविजन के साथ हुई वो इंक्रीज हो रही है, अ गुड थिंग. सो ओवरऑल वी हैव अचीव्ड अ लॉट इन द लास्ट 60-70 ईयर्स, खासकर आफ्टर 70s हमने बहुत अच्छा काम किया. जब हमने ये रिकग्नाइज किया कि शायद ये आने वाले समय में एक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. सो बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड बिफोर इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वॉज दिस माल्थस थियरी. उनका यह मानना था कि कभी भी फूड द ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स दे कैन नेवर एक्सीड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी लेकिन खाना नहीं होगा, फिर ये पॉपुलेशन मर जाएगी भूखमरी से एंड ये साइकिल चलता रहेगा. दैट वॉज माल्थस ट्रैप, बट it was broken because of scientific development, scientific achievements, just like green revolution ne india mein kiya ki khane ki kami nahi rahi. Is this fine all of you? If you have any problem you can ask, aap pooch sakte ho, because this is a huge topic, bahut sare different parameters hain. Read karoge aapko khud iske baad, after listening to this explainer it will become very easy for you people. कि क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया के लिए एक चैलेंज है? एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बहुत सारे क्वेश्चन है, देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट. जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कैसे उन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम हो सकती है, दैट कैन बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. सो दिस इज वॉट वी वर फर्स्ट कवरिंग. तो यहां पर यही सारी चीजें लिखी गई हैं. अब यूनाइटेड नेशंस के 2015 से 2030 में देर आर सर्टन गोल्स दैट एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव एंड दीज गोल्स आर नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उनमें जेंडर इक्वेलिटी अचीव करना, जो एक अगेन पॉपुलेशन से ही जुड़ा हुआ मसला है, बिकॉज जेंडर इक्वेलिटी होती तो लोग अपनी बेटियों को नहीं मारते और सेक्स रेशियो खराब नहीं होती, सही बात है, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ एक इशू हो गया. जेंडर इक्वेलिटी को अचीव करना, न्यूट्रिशन को बढ़ाना अपनी पॉपुलेशन में. सो जो चैलेंजेस बहुत बड़े अभी भी रह गए हैं हमारी पॉपुलेशन में, दैट इज नंबर वन माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग ऑफ द किड्स, इट इज वेरी हाई. तो पूरी दुनिया में इतना ज्यादा आपको अंडर नरिश्ड बच्चा, कुपोषित बच्चा नहीं मिलेगा जितना आपको इंडिया में मिल जाएगा. नंबर वन. नंबर टू, मोर देन 50% ऑफ इंडियन वुमेन आर एनीमिक, एनीमिया है, खून की कमी, तो आप देसी भाषा में बोल लेते हो. दैट इज द सेकंड वेरी बिग चैलेंज रिलेटेड टू इंडियन पॉपुलेशन, रिलेटेड टू सोसाइटी. एज्ड पॉपुलेशन है तो वो अपने वर्किंग एज में इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जब एज हो जाएंगे तब वर्किंग एज नहीं ना रहेगी, और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं. सो जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन होगी वो कम होगी व्हेन दिस जनरेशन इज गोइंग टू एज, और जो एज्ड लोग होंगे बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ती जा रही है. इट माइट रीच 75-80 इन अ फ्यू डेकेड्स, राइट. जैसे जैसे हेल्थ केयर और इलाकों तक पहुंचेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटर होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल इंक्रीज, सो वी विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एल्डरली पीपल. बट नए बच्चे पैदा ही कम हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे जा चुका है इंडिया, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ा देंगे सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. नाउ इट इज नॉट दैट रियालिटी, राइट. सो दैट इज वाई ये एल्डरली पॉपुलेशन
will be dependent for pensions, for health care, right? The geriatric care, आपको एक word मिलेगा, यानी elderly लोगों की care. उसके लिए डे केयर सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ओल्ड एज होम्स बनाने पड़ेंगे, पेंशन देनी पड़ेंगी ओल्ड एज. लेकिन जो इकोनॉमी में लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अब कम है. सो लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन वेरी फ्यू वर्किंग एज पीपल हु आर गोइंग टू पे टैक्सेस, और टैक्स पे करने वाले कम है एंड पेंशन लेने वाले ज्यादा है. ठीक बात है. सो दैट इज the problem. और वेस्टर्न कंट्रीज में और जो ऑलरेडी हमारे से डेवलपमेंट के स्टेज में बहुत आगे कंट्रीज हैं, लाइक जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, वेस्टर्न यूरोप, यहां पर ऑलरेडी देर इज दिस इशू ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन. लोगों के पास वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है. अफ्रीका एंड एशिया आर गोइंग टू एक्सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्सेस इन द कमिंग ईयर्स, जो ऑलरेडी कर रहा है, यही हो रहा ना. We are exporting human resources. The people who are going to Canada, UK, Australia, New Zealand to do basic labor. Right? So, ये already कुछ countries में हो चुका है. तो यहाँ पे बहुत important data है जिसको आपको note भी करना है. अभी present data आपको note करना है. Right? For instance, India's total fertility rate as per National Family Health Survey 5 decreased from 3.4 to 2. Right? So, अभी presently क्या है? It is 2. Replacement level आपको कितना बताया मैंने? How much is the replacement level? 2.1 is the replacement level. ठीक है जी? Then हमने गरीबी कम की, बिल्कुल की. Multi-dimensional poverty कम की, वो भी की. बट स्टिल हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर 11% लोग भी आज गरीब हैं तो वो भी दे आर अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. राइट? दे गो इन क्रोर्स. सो स्टिल अ वेरी बिग चैलेंज. लेकिन जो 50s, 60s, 70s में था उससे हमने बहुत सब्सटैंशियल प्रोग्रेस की है. राइट? दिस इज वन सच एरिया जिसमें इंडिया की प्रोग्रेस वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज. किसी ने भी सोचा नहीं था. And there was a book that was written by, you know, person, iska naam mil lena chahiye, because population bomb. These were pretty racist people. Basically, inki khud ki jab population badi thi, uspe inko koi problem nahi tha. And jab Asia ki, India ki, Africa ki badhne start hui, they had a problem. Right? In their countries, these people, they used to have white policy, white Australia policy. Ki sirf white log hi rahenge. कहीं बाहर से आना जाए कोई. तो वो उसी रेसिज्म से ये लिखा करते थे. एंड दे यूज टू राइट दैट इंडिया इज गोइंग टू एक्सप्लोड, इंडिया के पास खाना नहीं होगा, ये भूख से मरेंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक बात है. हुआ तो नहीं ऐसा कुछ. राइट. सो नाउ बेसिकली दीज आर सम ऑफ द इश्यूज. अब ये आर्टिकल एक और लेयर एड करता है एंड बहुत अच्छा डेटा ये भी आपको देगा. लाइक यहां से आपको पता लगता है कि ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन की. And a retired IAS officer, he wrote in 1997 in this newspaper itself, right? 27 साल पहले भी इन्होंने लिखा था myths about population growth. So look at this. The Western writers, they are saying कि population explode कर जाएगी, India बर्बाद हो जाएगा, सारी दुनिया के resources को बर्बाद कर देगा. Indian writers, they are defending it since 90s. कि ऐसा कुछ नहीं है. It's a stupid theory. लेकिन वी ऑल्सो बिलीव्ड दिस थियरी एंड वी वर ऑल्सो टॉट इन द स्कूल्स कि भाई सच में प्रॉब्लम है. राइट? फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए. वो बिल्कुल सही बात है. अब देखो इंडिया का पर कैपिटा इनकम भी बड़ा अनदर अचीवमेंट. फ्रॉम $400 टू $2400 पे हम पहुंच चुके हैं. हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 61 ईयर से 70 ईयर्स पहुंच चुकी है. इन द लास्ट 27 ईयर्स ये बात हो रही. आपने अभी प्रेजेंट डेटा उठाना है. ग्रोथ रेट इज बिलो 1%, 70 के करीब इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, $2400 इज द पर कैपिटा इनकम. ये आपको चाहिए अच्छे आंसर्स लिखने के लिए. दीज बेसिक फैक्ट्स यू शुड बी पुटिंग इन योर आंसर्स एज एग्जांपल्स. राइट? सो दिस आर्टिकल एड्स अनदर लेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज. राइट? एंड वही पुरानी डिबेट
कि जो डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही है कि भाई हिस्टोरिकल इमिशंस किसने की, उन कंट्रीज ने जो अब इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, डेवलप्ड हैं, रिच हैं। एंड अगर आप हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को भी इग्नोर कर दो, प्रेजेंट भी कैलकुलेट कर लो पर कैपिटा इमिशंस कौन ज्यादा कर रहा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज आर डूइंग इट राइट। एंड टुडे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है बट पर कैपिटा इमिशन बहुत कम है। एंड दैट इज व्हाई फाइटिंग क्लाइमेट चेंज इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज की प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है गरीबी खत्म करना, इज राइट। वो अगले 10 साल गरीबी खत्म करें या क्लाइमेट चेंज से लड़ें एट द कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी। मतलब अगर आप क्लाइमेट चेंज से इंस्टेंट लड़ने निकल जाते हो डेवलपिंग कंट्रीज, तो आप गरीबी नहीं खत्म कर पाओगे। बिकॉज नाउ वी नीड मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, हमें पावर प्लांट्स और लगाने पड़ेंगे एंड एमिशंस होंगी, इजंट इट। नाउ वी कैनॉट से कि आज के आज ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 100% ट्रांजिशन कर जाओ, चाहे गाड़ियां बहुत महंगी हो जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफिकल्ट हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाए, वी कैनॉट डू दैट। इज स्पाइन। सो द कंपैरिजन इज विद द ओईसीडी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दीज आर मोस्टली द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पर कैपिटा इनकम है $40,000, इंडिया की कितनी है जी 2400 राइट। जीडीपी जितनी मर्जी हो, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। दिस इज अनदर बिग चैलेंज दैट इंडिया इज गोइंग टू फेस इन द नेक्स्ट 10-20 years। ये हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, ठीक है जी। उसके बाद जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम अपने आप ही बढ़ जाएगी, लेकिन द प्रॉब्लम इज पर कैपिटा इनकम इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि जीडीपी बढ़ी और पॉपुलेशन कितनी आपने डिवाइड कर दिया। अभी ये जो $5 trillion की जीडीपी है, क्या ये टॉप 10% लोगों के पास $4.5 trillion है तो हम खुश हो सकते हैं पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से? नहीं हो सकते, बिकॉज इनइक्वालिटी इज वेरी हाई, अनदर चैलेंज राइट। आई होप यू आर ड्राफ्टिंग अ नोट इन योर हेड कि पॉपुलेशन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आप लिखोगे आज ये 3 articles पढ़ते हुए, उसके बाद चैलेंजेस लिखोगे जो यहां पर आ रहे हैं, लो पर कैपिटा इनकम राइट, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, वेरी हाई इनइक्वालिटी ऑन इकोनॉमिक बेसिस राइट। सो द फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज स्टिल वेरी लो। Then you will write some achievements in the last 70 years. So, उसमें बहुत सारी achievements आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि हमने birth rate को कम कर लिया, IMR को कम कर लिया, MMR को कम कर लिया, child sex ratio and sex ratio it is improving now since last 2-3 decades. Right? Are you getting my point? So, आज आपका ये जो population and associated issues का note बन जाएगा, इसके बाद आपको कुछ भी लिखने, पढ़ने, सुनने की जरूरत नहीं है। You can write an outstanding answer if you use the data in the right manner. ठीक है जी, that is the importance of newspapers. अब किसी दिन ऐसा आ जाता है तो आपका एक सारा टॉपिक कवर हो जाता है, उसके नोट बना के रख लो and that's it. Right? Then you also find some very good quotes for essay writing. Like see this. एक तमिल पोइट थे सी सुब्रमण्य भारती, क्या बोलते हैं, इवन इफ वन पर्सन डज नॉट हैव फूड टू ईट वी विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अगर आप किसी ऐसे में रेलेवेंट है तो ये कोट डाल देते हो इन द बिगिनिंग और एट द एंड, दैट विल मेक सच एन ऑसम एसे, मोस्ट पीपल आर गोइंग टू मिस दिस राइट। पीछे हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट गेट्स मेजर्ड है ना, गेट्स मैनेज्ड। ऑलराइट, सो अनदर लेयर हमने क्या ऐड कर ली, क्लाइमेट चेंज राइट। देन ऑल्सो देर इज अ डिस्कशन ऑफ ग्लोबल साउथ एंड ग्रोथ, that means global north which is the rich world versus global south, to hame to growth karni padegi, maine aapko already bata diya, africa asia they will prioritize uplifting the people who are below poverty line first and after that they will fight climate change, aur jisne historically climate emissions ki hain wo ladne ko taiyar nahi hai, to ye to hamari murkhta hogi
कि हम अपने लोगों को गरीबी से उठाना बाद में सोचें, और पहले हम कहें कि आपने जो सारी दुनिया में एमिशंस कर दिए हैं उनको हम साफ करने निकल पड़े। इज इट फाइन? राइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड आर्टिकल। अब इसमें दे आर एडिंग वुमेन हेल्थ एंड राइट्स, तो ऑलरेडी हमने बात कर ली कुछ वुमेन इश्यूज की, एंड माइग्रेशन ट्रेंड्स एज वेल। 60 करोड़ पीपल आर माइग्रेटिंग विद इन इंडिया। माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर यू, अर्बनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, शहर बनते ही माइग्रेशन की कारण है। देन अराउंड 2 करोड़ पीपल दे आर गोइंग अब्रॉड, तो 60 करोड़ लोग इंडिया के बीच में ही माइग्रेशन कर रहे हैं। राइट नाउ यहां पर ही आपके देखो, वी आर डिस्कसिंग पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी, वुमेन, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन सोसाइटी। Then urbanization is also an interlinked topic. Why? Because cities are engines of economic growth. किसी भी देश की, किसी भी सोसाइटी की जीडीपी को कौन ड्राइव करता है? शहर करते हैं। और आने वाले सालों में ये माइग्रेशन बढ़ने वाली है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, एंड आर सिटीज दे आर वेरी बैडली मैनेज्ड। In the last many discussions in newspaper, हम करते रहते हैं डिस्कस कि भाई शहरों का बहुत बुरा हाल है, थोड़ी सी बरसात हो जाती है वाटर लॉगिंग हो जाती है, ट्रैफिक कंजेशन, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ ऑटोनमी, 73rd, 74th amendments, they have not been implemented in the right manner. Right? So that is the thing. अब आने वाले समय में population और बढ़ेगी, अभी it is going to go to 170-180 crore maybe. राइट, ये एस्टिमेट्स हैं, शायद जो हमारा फर्टिलिटी रेट है बहुत जल्दी ड्रॉप कर जाए और पीक नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। बिकॉज पिछले एस्टिमेट्स अगर सही नहीं थे तो आगे वाले भी 100% सही होंगे, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। राइट, बट द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू मूव टू द सिटीज, इंडियन सिटीज, जो बेस्ट शहर भी है इंडिया के, वो भी दुनिया के बेस्ट शहरों की लिस्ट में 350 नंबर पे आते हैं। राइट, बेस्ट सिटीज में टॉप 50, 100, 200 कहीं नहीं, तो वी कैन इमेजिन कि कितना बुरा अर्बनाइजेशन इंडिया में हो रहा है, अर्बन प्लानिंग इज गोइंग वेरी बैड। ठीक बात है जी? राइट, सो हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, कैन यू लिस्ट अ फ्यू इन द चैट सेक्शन, हमने इंडियन पॉपुलेशन के बारे में क्या कुछ डिस्कस किया। टुडे वॉज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11th of July, that is why these 3-4 articles are discussing almost every important fact, every important aspect related to population and associated issues, even poverty, even women, even climate change, and then also urbanization. ab dekho kitna holistic reading aapki ho jayegi, aap kaise acche answers nahi likhoge, and agar aap ye nahi padhoge to aap kaise likhoge, aap likh hi nahi sakte. So what all have we discussed? Waiting for your answers. The urban agglomeration, okay, gender inequality, fertility rates, infant mortality rates, mortality होती है death, maternal, माता जी बच्चों को पैदा करते हुए अगर death हो जाए, maternal mortality rate, replacement levels, life expectancy is increasing, birth rates are going down, death rates are also going down. We will face a problem of elderly population, geriatric care, social security, pensions, ये सब हमें इंतजाम करना पड़ेगा as an economy. Urban agglomeration क्या होती है? Delhi is an example of urban agglomeration. जब शहर फैलता रहता है, इतना फैल जाता है कि आसपास के छोटे शहर भी उसी का पार्ट बन जाते हैं, तो हम उसे बुलाते हैं urban agglomeration. For instance, Delhi is a city, दिल्ली NCR is national capital region, जिसमें गुड़गांव, नोएडा, ये सारे शहर आ जाते हैं. That is an example of urban agglomeration.